उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक प्रधान का जल्लाद रूप सामने आया है। यहां तीन युवकों को ग्राम प्रधान ने तालिबानी अंदाज में सजा दी। साथ ही उस संग मिलकर ग्राम प्रधान ने तीन युवकों के हाथ पैर रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई की और जानवरों की तरह उन्हें बंधक बना लिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तीन युवकों को मुक्त कराने के बाद उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। दरअसल यह पूरा मामला ढोला थाना क्षेत्र के गाँव वाहिदपुर माफी का है। इस गाँव से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमे दिनेश ओमवीर और गोपाल नाम के तीन युवकों के हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद विद्युत पोल से बांध कर रखा गया था। बताया गया है कि तीनों युवकों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अवैध निर्माण का विरोध किया। बताया गया है कि ग्राम प्रधान नरेश बाबू और उसके भाई रणवीर सिंह का पीड़ितों से एक प्लॉट के विवाद को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ग्राम प्रधान द्वारा इस जमीन पर निर्माण कराया जा रहा था। इस निर्माण कार्य का युवकों ने विरोध किया, लेकिन दबंग ग्राम प्रधान ने उनकी बात नहीं सुनी। गाँव के रहने वाले दिनेश ओमवीर और गोपाल इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए थे। इसी बात से नाराज ग्राम प्रधान और उसके भाइयों ने तीनों के साथ जमकर मारपीट की और रस्सी से हाथ पैर बांधकर विद्युत पोल से बांध दिया। इस मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वह पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तीनों युवकों को रस्सी से मुक्त करा उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही पीड़ित गोपाल ने बताया की ग्राम प्रधान ने अपने 30 से 40 साथियों के साथ उन तीनों को पकड़ लिया था। इसके बाद उन्हें जमकर पीटा, विद्युत पोल से बांध कर वहाँ से चले गए। मामले की जानकारी देते हुए एसपी कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि रस्सी से जमीन पर बंधे पड़े तीनों लोगों का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रधान ने हमें बांध के मारा है। बांध के मारा? हाँ, लट्ठे से। हम जब गए थे ऐसे ही अजर चपट पड़े हमारे ऊपर। लोग आते कम से कम 30-40। बचाया किसने आपको? किसी ने नहीं बचाया, बांध के मारा। पुलिस वाले गए थे तब हमको पकड़ा। पुलिस वालों ने बचाया हमें। पुलिस वालों ने बताया। हाँ।